हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनसाई केसरी फॉर येट अनदर एपिसोड ऑन मनी प्लांट। इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम कैसे मनी प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं वाटर मीडियम में। एक सिंपल जग लेके उसमें मनी प्लांट की कटिंग्स लगाकर कैसे हम बहुत ही शानदार बढ़िया कैनेपी टाइप फोलिएज से ले सकते हैं, मस्त जड़ें निकलें, मस्त कैनेपी निकले और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोपोगेट कैसे करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर मारिएगा। चलिए तो मनी प्लांट को वाटर मीडियम में उगाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले मनी प्लांट की कटिंग्स। ये रही मनी प्लांट की कटिंग्स जो हमने बनाई थी, 6 to 8 inches की हैं सारी की सारी और वुडी स्टेम्स हैं। नंबर टू क्या चाहिए, वाटर जग। ये एक वाटर बॉटल ले ली हमने, एक्चुअली ये मिल्क की बॉटल थी, घर में फालतू पड़ी हुई थी तो चलिए इसी में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इन कटिंग्स को हम ले लेंगे ऐसे ही बंच में। देखिए सारे वुडी स्टेम्स हैं, काफ़ी में तो एरियल रूट्स भी हैं और इसको सिंपली हम जो है जार में पुट कर देंगे, मतलब जार में अंदर डाल देंगे सबको, जितना जा सकता है उतना डालिए, ज़्यादा कम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप अपने बॉटल के हिसाब से। सबको सारे को सबके नीचे तक बिल्कुल पहुंचा दिया जाएगा, रूट्स अंदर डाल के सबको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके आप इसको अच्छे से अंदर कर दीजिए। अरे ये लीफ आ जा बाहर, नाइस लीफ ना। ठीक है, तो बस सबको हमने प्रेस कर दिया, लीजिए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, बस तो अब हम कर लेंगे लास्ट स्टेप। क्या करना है लास्ट, फिल इट विद वाटर। वाटर ले लिया, वाटर से भर देंगे पूरा, अच्छे से पूरा वाटर से भर दिए। साफ नॉर्मल टैप वाटर है ये, इसमें कोई आरओ वाटर या कुछ भी नहीं डालना, नॉर्मल टैप वाटर। बस हो गया, देखिए इसमें मेरे वाले में प्लांट में तो काफ़ी सारी रूट्स पहले से ही हैं, बिकॉज ये काफ़ी पुराना प्लांट था मेरा, मनी प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है तो ये काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। आपका जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, महीने में एक महीने में हो ही जाएगा। ये बाकी की रूट्स भी जो बाहर निकल आई हैं इनको भी अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें छोटी सी ट्रिक ये है कि हर 3 दिन में पानी बदलिए। 3 दिन में नहीं बदल सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार पानी इसका ज़रूर बदलिए। कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको उल्टा कर दीजिए बेसिन में और नया टैप वाटर डाल दीजिए, बस वापस इसकी अपनी जगह पर रख दीजिए। ठीक है, अगर ये सारी ट्रिक फॉलो करेंगे आप तो 1 to 1.5 months में आपको इस टाइप का रूट स्ट्रक्चर और कैनेपी मिल जाएगा। इसको अपने डाइनिंग टेबल पर रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये, कोई भी आएगा सबसे पहले नज़र उसकी इसी पे जाएगी। ठीक है ना, और इसका रूट स्ट्रक्चर ही इतना ख़तरनाक है कि लोग रूट स्ट्रक्चर देख के ही इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सब लोग अपने अपने घर पे बनाएंगे, ये ट्राई करेंगे और हमको फ़ोटो या मेल के थ्रू इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बोनसाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।